एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माय इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो वीडियो है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि देने वाले हैं एग्जाम एएमआई का, आईईआई का, जो एएमआई के मेंबर हैं और जो एएमआई का एग्जाम देने वाले हैं सर्किट थ्योरी वाले सब्जेक्ट का, सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल। तो उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि आप लोग के एएमआई के एग्जाम ना स्टार्ट होने वाले हैं 16th of August से लेकर के 31st August तक। तो इन डेट के बीच में आपका जो एएमआई का एग्जाम है ना, वो शेड्यूल होगा। और मैं सोच रही थी इस बार मैं सर्किट थ्योरी जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो वाला क्लियर करवा दूं, क्योंकि उसके बारे में ना मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा टफ है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारा ना माइंड पहले ही सेट कर दिया जाता है, जैसे ही हम एएमआई में एडमिशन लेते हैं या फिर हमारे जो आसपास के जो पहले कर चुके हैं वो लोग कहते हैं कि सर्किट थ्योरी का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत इजी है। सर्किट थ्योरी इज अबाउट थ्योरी ऑफ द सर्किट। हर चीज जो सर्किट के, सर्किट मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम सर्किट थ्योरी कहते हैं। तो ये मुश्किल कैसे हो सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए? देखिए, सबसे पहले ना आप अपने माइंड से बात निकाल दो कि सर्किट थ्योरी जो है ना वो बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ईजी है, बस उसमें कंसेप्चुअल है, वो कंसेप्ट के बेस्ड पे है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं भी है ना, फिर भी आप उसको क्लियर कर पाओगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर करवाया है जो कि जिनकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी मैथ्स वीक है तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअल है, आपको उसके कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले पता नहीं मैं इस वीडियो के थ्रू कितने लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि ज्यादा मैं रीच नहीं कर पा रही हूँ, ज्यादा लोगों की हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगी। बट जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज इस वीडियो को देखकर आपके लिए जो सर्किट थ्योरी का सब्जेक्ट है ना, मैं कोशिश करूंगी उसको थोड़ा सा आसान भाषा में बता सकूं, लर्नेबल लैंग्वेज में आपको बता सकूं, तो ताकि आप इजीली उसको समझ करके अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर लो। देखिए, ये चल रहा है जुलाई का मंथ। तो जुलाई का मंथ सेकंड वीक है जुलाई के मंथ का। तो आप ये समझ लो 16th of August से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड करने की। कई टॉपिक्स पे मैं बता चुकी हूँ वीडियो, जैसे कि लैपलेस है, मेश एनालिसिस है, आप उसको किस तरीके से, इजी तरीके से आप उसको सीख सकते हो, तो वो आप ट्यूटोरियल पे देख सकते हो। प्लीज जाके मेरी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट को देखिए, उसमें सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और मिनिमम आप सी ग्रेड कैसे लेकर के आ सकते हो, वो वाली वीडियो भी है, आप प्लीज चेकआउट करो। आप उस वीडियो को देखोगे ना तो पक्का आपको ये पता चल जाएगा कि सर्किट थ्योरी जैसे सब्जेक्ट ना, उसमें सी ग्रेड लाना, 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा ईजी है। देखिए, सर्किट थ्योरी में ना सबसे पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उसका थ्योरी वाला पार्ट लो, ठीक है? अगर आपका लक बहुत ज्यादा अच्छा हुआ ना, बहुत ज्यादा या थोड़ा सा भी अच्छा हुआ, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर 2-3 साल के बाद आ जाता है सिर्फ थ्योरी का, जिसमें आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, कंट्रोलर्स, रेगुलेटर्स, पीआईडी, पीडी कंट्रोलर, ये सारे कंट्रोलर सब कुछ जो है थ्योरी पार्ट में आ जाता है। और बहुत इजी है ये वाला, मतलब शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपको, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल भी आ सकती है। मतलब अगर आपका लक अच्छा है तो 20 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको चारों को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? एसी मोटर, डीसी मोटर, सर्वो मोटर की बात कर रही हूँ, और कंट्रोलर्स और रेगुलेटर्स। तो ये चार जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आप पक्का कर ही लेना, ठीक है? डीसी मोटर मैंने अभी तक नहीं बताया है, एसी और डीसी मोटर, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? प्लीज उसको समझो, कंसेप्ट को, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्योरी पार्ट में पहले स्टार्ट कर रही हूँ। थ्योरी पार्ट अगर आप कर लोगे ना और ऐसा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई नहीं रोक सकता है कि आप सर्किट थ्योरी को क्लियर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? 20 मार्क्स का ये आ जाएगा। 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, वो तो आप कर ही लेते हो ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत जो सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं सब्जेक्ट,
थोड़ा बहुत तो हम इतना कर ही लेते हैं कि हम एमसीक्यूज को क्लियर कर पाए। ठीक है, 40 मार्क्स आपके ये हो गए और बाकी जो है वो तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर्स। कोशिश करती हूँ कि 16th ऑफ अगस्त से पहले पहले मैं आपका सर्किट थ्योरी का सारा सिलेबस जो एमआई का है वो मैं करवा लूँ। ठीक है, तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी पढ़ पाए, और जिनको मुश्किल लगता है ऐसा वो ना सोचे कि मुश्किल है और आसानी से क्लियर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो डीसी मोटर्स या सर्वो मोटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी जो मैं इस डायग्राम में लेबल मैंने कही हुई है, उससे आपको इजी रहेगा कि क्या चीज क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आई और स्मॉल ए यानी कि कॉन्स्टेंट करंट, टी एम यानी कि टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, जे क्या डिनोट करता है इक्विवेलेंट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, F denotes equivalent viscous friction, ठीक है, and Q donates angular displacement of the motor. AC और DC servo motor के अलावा AC और DC टेको generator भी थ्योरी में आता है। तो बात करते हैं DC servo mechanism system की। ये वाला जो question है ना, DC servo mechanism system के नाम से भी आता है या फिर आपको simple आएगा DC servo motor। तो ये दोनों एक ही चीज है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए लिख देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और उसको आता हुआ आंसर वो ना लिख पाए। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, 5 to 10 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डीसी सर्वो मोटर में मोटर क्या चीज होती है। ठीक है, मोटर क्या चीज होती है जो सिंपली कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उस चीज़ को देंगे तब उसमें टॉर्क जनरेट होगा और वो चीज़ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो मोटर है वो स्टार्ट हो गई और उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था सिंपल सा मैकेनिज्म जो मोटर का होता है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। उससे क्या होता है, जो इस मोटर का कंट्रोल एलिमेंट होता है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम मोटर को यूज्ड करते हैं एज अ पावरिंग डिवाइस, यानी कि जो चीज उसको पावर दे रही है स्टार्टअप होने के लिए, उसको उसका मैकेनिज्म करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, उसको हम कहते हैं मोटर। इसलिए हम मोटर को कहते हैं, यूज करते हैं एज अ पावरिंग डिवाइस। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि मोटर को हम पावरिंग डिवाइस क्यों यूज कर क्यों बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है, इन अ कंट्रोल सिस्टम मोटर इज यूज्ड एज पावरिंग डिवाइस। ठीक है, मोटर को पावरिंग डिवाइस की तरह यूज करा जाता है। ठीक है, और इसको मैं पॉइंट वाइज इसलिए बता रही हूँ, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो एक कॉपी पे नोट्स लिख सकते हो, अपनी कॉपी को देख सकते हो, जब आपका एग्जाम आएंगे तो आपको इजी रहेगा नोट्स मेकिंग में। मेरी वीडियोस को देख के ना आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करो एक टॉपिक को लेकर, ताकि आप उसको एग्जाम टाइम में देखो तो आपको इजी लगे। ठीक है, और वीडियोस तो ऑलवेज अवेलेबल रहती हैं आपके लिए। तो इट इज यूज एज पावरिंग डिवाइस विच ड्राइव्स द कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, जो भी कंट्रोल एलिमेंट है उसको ड्राइव करने के, उसको चलाने के लिए यूज करते हैं। अब हमें एक सिंपल सा सर्किट बनाना है जिसमें हमको VF यानी कि सबसे पहले इनपुट दिखानी है, उसके बाद हमें एक सिंपल सा रजिस्टर लगाना है ऊपर की साइड, साइड में हमें लगाना है एक वाइंडिंग जो कि इंडक्टर, एज अ इंडक्टर हम उसको यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा सर्किट है जो आपको बताना है। यहां से हम लोग देते हैं इनपुट, यहां से इनपुट दी जाती है, इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द फील्ड विच हैज रजिस्टर एंड इंडक्टर। वहां पर हम इनपुट देते हैं जहां पर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं RF और RL। ठीक है, RF स्टैंड्स फॉर रजिस्टर एंड L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर।
और ये जो वाइंडिंग पोर्शन है ना, इसको हम या तो वाइंडिंग टर्मिनल भी बोल सकते हैं या फिर आर्मेचर टर्मिनल भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे, व्हेन द फील्ड इज एनर्जाइज्ड बाय कंट्रोल सिग्नल द मोटर इज सेट टू बी फील्ड कंट्रोल। यानी कि जैसे ही हम इसको सिग्नल देंगे तो जो मोटर है वो कही जाएगी कि वो फील्ड कंट्रोल्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द फील्ड करंट यानी कि IF जो आप देख रहे हो, जो कि रिवॉल्व कर रहा है, वो प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स इन द मशीन। ठीक है, इस मशीन के अंदर वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, एट द मोटर शाफ्ट। अब जो हमने इनपुट दी थी ना, उससे क्या हुआ था, हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ था और टॉर्क भी प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जिससे हमारी जो मोटर की शाफ्ट है उसमें चेंजेस हुए थे। अब क्या होगा, जो चेंज इसकी वजह से, इन सब चीज की वजह से, जो फ्लक्स और टॉर्क में डिफरेंस आता है, इन सब चीजों की वजह से जो फील्ड करंट की वैल्यू है ना, वो बार बार चेंज होगी। अब उससे क्या होगा, जब भी फील्ड करंट की वैल्यू चेंज होगी तो जो स्पीड होगी ना मोटर की, वो भी बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन प्रोड्यूस करेगी स्पीड के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। इस इनवर्स रिलेशन को डेवलप करने के बाद हमारी जो मोटर है ना, वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पावर टू द कंट्रोल एलिमेंट मिलने लगेगा। तो एक बार मैं जर्नली दोबारा से बता देती हूँ, जैसे ही इनपुट जाएगी, आसान भाषा में, ठीक है, जैसे ही इनपुट हमारी जाएगी तो उससे क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो वाइंडिंग्स दिख रही है ना आपको, आर्मेचर वाइंडिंग बोल लो या टर्मिनल वाइंडिंग बोल लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उससे टॉर्क जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो हमारी मोटर है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और डीसी सर्वो मोटर में हमें बताना क्या था कि जो मोटर है वो कैसे जनरेट होगी, कैसे वर्क करेगी, कैसे घूमेगी, तो वो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर बुक आपके पास होगी, आप बुक की लैंग्वेज यूज कर लोगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको बुक की लैंग्वेज चाहिए या पेपर में इसको कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं, आप चाहें तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी कि आप कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको लिखना है AMI एग्जाम में। तो पहले मैंने सारा थ्योरी पार्ट लिया है, डीसी मोटर बता दिया है, एसी मोटर बताऊंगी, उसके बाद एसी और डीसी, टेको जनरेटर, रेगुलेटर्स एंड कंट्रोलर्स। तो 20-25 मार्क्स तो आपके हो जाएंगे प्रिपेयर। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज, उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे बेल की नोटिफिकेशन के साथ। और प्लीज यार, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो या कोई भी स्टूडेंट हो, आपके बैचमेट्स हो, तो इसे जरूर शेयर करो। मैं सारे वीडियोस अपलोड करती रहूंगी रिलेटेड टू, आपके 16 अगस्त से एग्जाम्स हैं तो सर्किट थ्योरी से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करूंगी। कुछ मैं कर भी चुकी हूँ, ठीक है, और जर्नल जो स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो वीडियोस मैं रोज अपलोड करूंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स तो रोज ही होते हैं। जो भी नया करंट अफेयर आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।